नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वंदे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जौनपुर जामपुर जिले में पूर्व पदस्थ अधिकारी के विरुद्ध एक महिला द्वारा की गई शिकायत के मामले में गंभीरता ली है और उन्होंने मुख्य सचिव आरपी मंडल को तत्काल संबंधित अधिकारी को निलंबित करने और पूरे प्रकरण की जांच उच्च स्तरीय दल के से कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि जौनपुर जामपुर जिले के पूर्व कलेक्टर एलसीपी पाठक पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाते हुए जौनपुर एसपी से शिकायत की थी। पीड़िता की शिकायत पर जौनपुर कोतवाली ने कलेक्टर के खिलाफ 386 का मामला भी दर्ज किया है। इसी मामले को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि मामला जौनपुर जामपा से है। मुख्य सचिव को संबंधित अधिकारी को निलंबित करने और उच्च स्तरीय दल से जांच कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता हेमंत शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? देखिए, जांजगीर के पूर्व कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक के खिलाफ एक एनजीओ संचालिका ने रेप का आरोप लगाया था और उनकी शिकायत के बाद जांजगीर थाने में धारा 376 के तहत पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले को अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीरता से लिया है और कुछ देर पहले ही उन्होंने जो मुख्य सचिव हैं उनको इस बात के निर्देश दिए थे कि तत्काल जो आईएएस हैं जनक पाठक उनको निलंबित कर उच्च स्तरीय जांच की जावे। उसके बाद अब जो मुख्य सचिव हैं आरपी मंडल उन्होंने आदेश जारी कर दिया है और अपने आदेश में उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से आईएएस जेपी पाठक पर गंभीर आरोप लगा है और पर्याप्त सबूत उनके खिलाफ मिला है जिसके बाद उनको निलंबित किया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के भी बात कही है और इसके लेकर तमाम जो दिशा निर्देश हैं उन्होंने मुख्य सचिव को दे दिया है। तो अब इस पूरे मामले में जेपी पाठक पूरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं। मैं बता दूं, हाल ही में जब कलेक्टरों का ट्रांसफर हुआ था तो जांजगीर कलेक्टर वो थे उस समय जेपी पाठक और उनका ट्रांसफर होकर भू अभिलेख में विभाग में हो गया था। अभी वो वर्तमान में भू लेख विभाग में पदस्थ हैं, लेकिन जब उन पर ये आरोप लगा उनसे बातचीत करने की कोशिश हमने की है लेकिन उनका जो मोबाइल नंबर है वो लगातार बंद आ रहा है। तो जिस तरीके से उन पर जो सनसनीखेज आरोप लगा है वो पूरी तरीके से अब उस मामले में फंस रहे हैं। अब तक वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं लेकिन जिस तरीके से महिला ने गंभीर आरोप उन पर लगाया है, महिला का साफ तौर पर ये कहना था, कल मीडिया से मुखातिब भी जो पीड़िता थी वो वहां पर हुई थी, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि एक काम को लेकर जेपी पाठक से उनकी मुलाकात हुई थी और काम को दिलाने को लेकर एक दिन उनके ऑफिस में महिला को बुलाया गया और उसी दौरान जो महिला से बलात्कार किया गया महिला का पूरा आरोप था। इसके अलावा जो कॉल डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट है चैटिंग की, वो भी महिला द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराई गई थी जिसके बाद ही जेपी पाठक के खिलाफ धारा 376 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जी, कलेक्टर के कार्यकाल की बात करें तो इससे पहले भी क्या इस तरह की या और कंप्लेंट्स कलेक्टर के खिलाफ मिली हैं? देखिए, आईएएस जनक प्रसाद पाठक के खिलाफ पहले ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली है। वो बलौदाबाजार कलेक्टर भी रहे हैं, बलौदाबाजार में लंबे समय तक उन्होंने सेवा दी। उसके बाद उनका ट्रांसफर जांजगीर चांपा जिले में हुआ था, करीबन 1 से 1.5 साल वो वहां पर रहे। इस दौरान कोई आरोप उन पर नहीं लगा लेकिन जैसे ही जांजगीर कलेक्टर से हटाकर उनको भू अभिलेख में पदस्थ किया गया उसके बाद एक महिला ने उन पर ये आरोप लगाया है। पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और उसके बाद हालांकि अभी गिरफ्तारी को लेकर कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि अभी एक आईएएस के खिलाफ शिकायत मिली है तो पूरी तरीके से जांच इसमें होगी, उसके बाद ही जो आरोपी की गिरफ्तारी है वो इसमें की जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
एक और बड़ी खबर मिल रही है।